नमस्कार। बोकारो बीएसएल मजदूरों और ठेका मजदूरों का पैर भी जनता था। लंबित मामलों को लेकर नया मोड़ में सीटू ने किया प्रदर्शन। बीएसएल मजदूर और ठेका मजदूरों का बकाया पेयर रिविजन की मांग को लेकर इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू ने नया मोड़ के नज़दीक प्रदर्शन किए। नेताओं ने सरकार तथा सेल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें रखी। यूनियन के महामंत्री बीडी प्रसाद ने कहा कि एरियर नहीं देने और 10 वर्षों की अवधि के लिए पेयर रिविजन समझौता करने के प्रस्ताव का हम पुरजोर विरोध करते हैं। प्रबंधक से मांग करते हैं कि सेल के मजदूरों का जो न्यूनतम मजदूरी तय किया जाएगा उसी तर्ज पर ठेका श्रमिकों का भी न्यूनतम मजदूरी तय होना चाहिए। महामंत्री इस्पात मजदूर मोर्चा बीडी प्रसाद। इंडिया सीआईटी के आह्वान पर आज पूरे सेल का हरेक स्टील प्लांट में कार्यक्रम किया गया है और यह कार्यक्रम करने का जरूरत इसलिए पड़ा है कि सेल के मजदूरों का और ठीका मजदूरों का वेज रिवीजन पिछले 4 साल से लंबित पड़ा हुआ है। इसके बीच में बहुत बार हम लोगों ने प्रयास किया है, यूनियन ने प्रयास किया है, जुलूस किया है, प्रदर्शन किया है, धरना किया है, पर्चा पोस्टर किया है। इन तमाम माध्यमों से हम लोगों ने प्रबंधन को आगाह करने का कोशिश किया है। अभी कल नहीं परसों 17 तारीख को वेज रिवीजन के लिए एनजेसीएस की बैठक ऑनलाइन बैठक प्रबंधन के द्वारा बुलाई गई है। उसमें एनजेसीएस की सभी यूनियन उसके नेता एनजेसीएस से भाग लेंगे और उसमें वेज रिवीजन पर बात होगी, मजदूरों के सवालों पर, खासकर वेज रिवीजन पर बात होगी, ठेका मजदूरों के पर बात होगी। और इसलिए पिछला ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछला जो मीटिंग हुआ था 9 नवंबर को एनजीएसएस की बैठक, उसमें मैनेजमेंट जब पूछा गया आप मजदूर का फायदा हमारा रिवीजन को स्टार्ट कीजिए, उसमें आप प्रस्ताव दीजिए, मैनेजमेंट ने कहा था हम आपका रिवीजन का मीटिंग करने के पहले हमें चाहते हैं आपको साफ साफ कहना, हम मजदूरों का 4 साल का जो वेज रिवीजन होगा हम करेंगे उसी दिन से रिवीजन 1 जनवरी 2017 से करेंगे, लेकिन उसका फायदा पिछले 4 साल का हम मजदूरों को नहीं देंगे। हम एक नया पैसा मजदूरों को फायदा नहीं देंगे, मतलब जो मजदूर का एरियर मिलता है वो एरियर मजदूर को नहीं देंगे। इसका मतलब होता है साथियों, एक वेज रिवीजन में 4 साल का अगर एरियर नहीं दिया गया, जो पहले एनजेसीएस का इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, रिवीजन हुआ और मजदूरों को एरियर नहीं दिया गया, ये पहली दफा मैनेजमेंट हिम्मत कर रही है। ये मैनेजमेंट हिम्मत करके बोल रही है हम रिवीजन तो करेंगे लेकिन एरियर नहीं देंगे। इसका मतलब साफ है रिवीजन करेंगे लेकिन एरियर का आपको रिवीजन का फायदा नहीं देंगे, रिवीजन का फायदा नहीं देंगे। यही बात ठेका मजदूरों पर भी लागू होता है। रिवीजन ठेका मजदूरों का पिछले 2 एग्रीमेंट में 2010 में हुआ एग्रीमेंट, 2014 में हुआ एग्रीमेंट एनजीएसएस का, उस समय दोनों बार ठेका मजदूरों के लिए भी उनका मजदूरी में बढ़ोतरी किया गया। सीआईटी ने साफ साफ कहा था ठेका मजदूरों का उसका अगर मजदूरी का रिवीजन नहीं होगा, उसका तनख्वाह नहीं बढ़ाया जाएगा तो हम एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करेंगे, हम एग्रीमेंट पर दस्तखत सीआईटी नहीं करेगा। नतीजा हुआ सभी यूनियनों ने सब पर रोक लगा दिया जाएगा। कई इंडस्ट्री में उसका महंगाई भत्ता पर जो बढ़ोतरी हुआ, अफसर लोगों का रोक लगा दिया गया, बहुत जगह मजदूरों पर भी रोक लगाया गया है। सेल में भी आने वाला साथियों खतरा बहुत बड़ा है। अभी आपने देखा लीव इनकैशमेंट लागू किया, सेल मैनेजमेंट ने लीव इनकैशमेंट मजदूरों का मांग था, हम लोगों का मांग था, मैनेजमेंट ने लागू कर दिया। क्या किया उसमें, बोला 170 दिन जिसको रहेगा तब 30 दिन का इनकैशमेंट होगा, उससे कम वाले का नहीं होगा, ना तो 170 दिन होगा नहीं तो इनकैशमेंट होगा। मैनेजमेंट ने स्टेटमेंट चालू वह कर दिया और स्टेटमेंट पर रोक लगा दिया।
दोनों काम साथ साथ किया। वही काम रिवीजन में होने वाला है, वही काम ठेका मजदूरों के साथ होने वाला है। हम लोग साफ साफ मैनेजमेंट को, बोकारो मैनेजमेंट को भी कहा है। हम लोग ने चार्टर ऑफ डिमांड दिया ठेका मजदूरों का, हम लोगों ने कहा है। दो बार वार्ता हुआ है, उसके बाद अभी वार्ता बंद है। हम लोग साफ साफ कहना चाहते है, आज जो प्लांट आपका चलता है वो ठेका मजदूर के द्वारा चलता है। ऑपरेशन का काम करते है, कंस्ट्रक्शन का काम करते है, सर्विसेज का काम करते हैं, सभी जगह ठेका मजदूर आपका काम स्किल्ड वर्क भी कर रहा है। इसलिए उसका मजदूरी बढ़ाओ, उसका मजदूरी कम से कम, अभी जो केंद्र सरकार का मजदूरी है वो तो उसको मिलना चाहिए, मैनेजमेंट बोलते मिलना चाहिए, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं करती। हम लोगों ने कहा है आप भैया का जॉब नहीं करते हैं, सिर्फ बेलचा नहीं चलाते हैं, सिर्फ क्लीनिंग का काम नहीं करते हैं, वो टेक्नीशियन का काम करते हैं, वो ऑपरेटर का काम करते हैं, वो एक टेक्नीशियन का ग्रेड में काम करते हैं। इसलिए ठेका मजदूरों को आज का दिन में ठेका मजदूर का सेल का जो मिनिमम वेज है, S1 ग्रेड का जो मजदूरी है 18,330 रुपया, कम से कम 18,000 वो उसका सेल का न्यूनतम मजदूरी उसको तय किया जाए। सेल का जो अगला न्यूनतम मजदूरी तय होगा उसी अनुसार ठेका मजदूरों का भी न्यूनतम मजदूरी तय किया जाए। FCIT ने मांग किया है, हम लोग कहना